जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। इस समय मैं बीहट में बेगूसराय के सबसे बुज़ुर्ग भारतीय जनता पार्टी का एक स्तंभ, जो कि बेगूसराय की धरती से आज सांसद भी जीते जाते हैं, हर क्षेत्र में से भाजपा का झंडा लहराया जाता है, उसका देन सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े हैं रामलखन सिंह जी, इनका है। और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में जो स्थितियां पैदा हो गई है, विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप धारण किए जा रहा है, एक विशेष वर्ग के लोग सड़कों पे आगजनी करते नज़र आ रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध करना स्वाभाविक बात है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन अभी किया जा रहा है, क्या इसी भारत का भारत की कामना लोग कर रहे हैं? हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसे परिस्थिति में जो छोटे छोटे स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे जो नेतृत्व संभालते हैं, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? सर, आज देश की स्थिति जो है, सो आप देख रहे हैं कि हजारों साल से हम लोग गर्त की तरफ चले जा रहे थे। कभी कोई भविष्य नहीं दिखाई पड़ रहा था कि फिर से कभी हिंदुस्तान एक हो सकेगा, उठेगा। और यहाँ क्या है कि लोकतंत्र आया भी, तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से लोग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने अपने बात को हर गलत तरीके से समझा रहे हैं और अहिंसक आंदोलन बता करके हिंसा पैदा कर रहे हैं। और अहिंसक लोग अगर अहिंसा को हथियार बनाकर अगर आंदोलन करते हैं तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जब हिंसा उसमें होती है और सभी नेता ये इसके समर्थक हैं, वो कहते हैं कि ये अहिंसक आंदोलन। तो अहिंसक और हिंसा में, अहिंसा और अहिंसा में क्या फर्क रह गया, हमको समझ में नहीं आता। ये क्या लोकतंत्र है कि अपनी बात को, जहाँ एक तरफ संसद ने हमको कानून बना कर दिया और देश की जितनी समस्या थी सबका लगभग समाधान हो रहा है, जो चिर प्रतीक्षित था, जो किसी को कभी उम्मीद नहीं थी, वो सब अब होता चला जा रहा है। और अब इसको रुकावट डालने के लिए, क्योंकि देश में समस्या बनी रहे और इन लोगों का अपना तंत्र चलता रहे, स्वार्थ का तंत्र, लूट का तंत्र, मनमानी का तंत्र, अब ये इनका नारा है कि हम छीन कर लेंगे आज़ादी। किससे छीनेंगे, कैसे छीनेंगे, छीनने का तरीका क्या होगा, लोकतांत्रिक पद्धति नहीं होगा। वो चाइना से लेंगे मदद, जिस तरह यह वामपंथ का आंदोलन अब एक नक्सलाइट आंदोलन के रूप में रह गया, और वो क्या है, लूट मार काट और देश को समाप्त करने का। तो क्या चाइना का तंत्र यहाँ बहाल होगा, या क्या पाकिस्तान में हम लोग ठीक भर बच गए हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक, मतलब यहाँ का हिंदू ही नहीं, बौद्ध, सिख, ईसाई, जो भी है, सब आज यहाँ भाग रहे हैं, क्योंकि यहाँ सुरक्षित जगह मिल रहा है। यहाँ मुसलमान भी उतना ही सुरक्षित है, हिंदू भी उतना ही सुरक्षित है, और जो भी अल्पसंख्यक है, हिंदू और मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक यहाँ बाकी जो अल्पसंख्यक हैं सब आ रहे हैं। तो उन अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं है जो जिसको हिंदुस्तान आज अपनाने जा रहा है। और वो लोकतांत्रिक पद्धति से संसद ने पास किया है, राष्ट्रपति ने उस पर मुहर लगाया, कोर्ट ने इसको मानने से इनकार कर दिया। ये लोग जब याचिका लेकर कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट तक ने इसको नकार दिया कि ये तरीका सही है, ये संसद का अधिकार है और इनको बनाने का, और समय समय पर ये नागरिकता दी गई। सर, आपको नहीं लगता कि अगर लोग विरोध प्रदर्शन में हैं तो हो सकता है कि ऐसा माहौल जो बनते जा रहा है, लोग समर्थन में भी अब सड़क पर उतर रहे हैं, अगर इस परिस्थिति में सभी जितने लोगों को लाया जा रहा है, ये सारे समुदाय अगर सड़क पे समर्थन में उतर जाए, तो फिर किस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है? होता क्या है कि देश को अस्त व्यस्त करने वाले एकाएक इस तरह का आंदोलन किए कि देश आज अस्त व्यस्त है, स्थगित है, लेकिन जब देश के पूरे बहुमत खड़ा होगी तो इन लोगों को समझ में आ जाएगा कि इनकी औकात मुठ्ठी भर जो थी वो भी आगे अवशेष नहीं बचेगा इसका, क्योंकि ये अब कांग्रेस का देख ले बयान कि अहिंसक आंदोलन इसको कह रहे हैं, कांग्रेस भी इसके पीछे है। मात्र कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस और विपक्ष और जितने अपने आप को सेकुलर कहने वाले तथा कथित सेकुलर हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व। हमने कल परसों देखा था आज तक का इंटरव्यू, अमित शाह से लोग पूछ रहे थे, अमित शाह जी हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गृह मंत्री के पद पर हैं, तो अमित शाह जी से प्रश्न पूछा गया था कि अभी इतने आपको समझ में नहीं आता कि डीजीपी इतना गिर रहा है जीडीपी जी, और विकास दर इतना गिर रहा है, तो विकास दर गिरने का मतलब क्या है कि विकास दर अगर गिर गया तो देश समाप्त हो जाना चाहिए? विश्व में मंदी है और मंदी से निपटने का अपनी सरकार ने हर तरीके से उसको खड़ा करने का प्रयास किया, और विश्व में सबसे कहीं अगर कम मंदी है तो भारत में, उसका कोई ऐसा प्रभाव भी नहीं। लेकिन अगर विश्व की मंदी से हम जोड़ कर चलते हैं तो जिस समय बांग्लादेश विभाजित हुआ उस समय करोड़ों यहाँ के मुसलमान भी लोग जो आए वो अब नागरिक यहाँ बन के बैठे, वो घुसपैठिया में नहीं उनकी गिनती है, उनको नागरिकता दी गई, वहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं थी, वहाँ सताए हुए लोग थे। आज बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं इसलिए उन हिंदुओं को लिया जा रहा, मुसलमान वहाँ से अब जो आ रहे हैं उसके बाद जितने लोग आए हैं घुसपैठिए बनकर आए हैं और देश में पूरे अस्वस्थता का कारण बने हुए हैं, हर जगह उनका उपद्रव चल रहा है, हर जगह कहीं विस्फोट में पकड़ाते हैं, कहीं बंगाल में जो आपने देखा होगा एक नन के साथ जी जी बलात्कार हुआ जी, उसमें बांग्लादेशी थे और तीन बांग्लादेशी थे और तीनों मिलकर जितनी आयु थी उससे ज़्यादा आयु की महिला के साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो ये क्या प्रकृति लेकर आए, क्या प्रवृत्ति लेकर आए हैं, क्या सोच लेकर आए हैं, हिंदुस्तान में क्या करने आए? वहाँ उनको खाने के लिए जगह नहीं, एक मुट्ठी दाना नहीं है, रहने के लिए एक इंच जगह नहीं है, और यहाँ आकर वो यहाँ के वासी ना बनकर यहाँ सुख में रहते हैं, शांति में रहते हैं, चैन में रहते हैं, और लेकिन यहाँ उपद्रव खड़ा करते हैं। ऐसे नागरिकों को जो घुसपैठिया बनकर आया है, हमारे देश के लिए समस्या बनकर आया है, इसको क्यों नहीं बाहर किया जाए सर? और यहाँ नागरिकता देने की बात है और कुल मिलाकर और तीनों देश से लोग आते हैं तो कितने लोग आते हैं? जितना एक बार में शरणार्थी जो लोग आए मुसलमान, तो उनको उस समय किसी ने विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने साथ उनको साथ लिया, देश का नागरिकता भी दिया जी। और उस समय कितना महंगाई बढ़ा था, एकाएक आप 71 की बात अगर सोचें तो 71 में हम लोग स्कूल के विद्यार्थी थे, लेकिन हम उस समय हमने देखा कि भयानक महंगाई आई, कितना गुना महंगाई आई, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार किया। समस्या जब दुनिया में हम कहीं उथल पुथल हो रहा है और हम उसमें सहभागी बनेंगे तो उसका असर भी हमको झेलना पड़ता, लेकिन वो असर तात्कालिक होता, अस्थाई नहीं होता, और अस्थाई असर ये होगा कि दुनिया में एक शांति आएगी। हिंदुस्तान अपने लिए सिर्फ नहीं जीता, हिंदुस्तान किसी पर आज तक हमला नहीं किया, और हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लिए भी जीता और दुनिया को एक व्यवस्था देने के, दुनिया को शांति देने के लिए हिंदुत्व की सोच है, और वो जो हिंदुत्व है वही हिंदुस्तान है, और इसमें समाहित सब भी हैं। हिंदुत्व का मतलब कहीं से नहीं है कि हम मुसलमान को भगा रहे हैं, किसी ईसाई को भगा रहे हैं, किसी क्रिश्चियन को भगा रहे हैं, किसी को नहीं भगाना। हिंदुत्व अपने आप में एक ऐसी छाया है जिसमें सभी पल सकते हैं, दुनिया का सभी विचार, सभी लोग और सभी प्राणियों के लिए जहाँ जगह है वो हिंदुत्व है। इसलिए हिंदुत्व को छोटा करके आँकना ये बहुत दकिया मानसिकता है। ये मानसिकता ऐसी है ना कि हिंदुत्व को छोटा दिखाने का मतलब है कि वो मानवता और प्रकृति के नियम के विरुद्ध चल रहे हैं। हिंदुत्व सिर्फ प्राकृतिक नियम के अनुसार चलता है, हिंदुत्व सीमा तक ही नहीं सीमित है, हिंदुत्व की सीमा बहुत विस्तृत है, और दुनिया को हम शांति दें, व्यवस्था दें और अच्छाई दें, न कि हम दुनिया को गुलाम बनावें, ये हिंदुत्व है। सर एक बात है कि हिंदुस्तान का इतिहास बताता है कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान से ही गया, 1947 में पाकिस्तान बना, वो भी धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बाद सर 1971 में बांग्लादेश बना, वो भी इस्लामिक कंट्री बन गया। क्या अभी के जो आज़ादी के नारे जो पप्पू यादव भी राग अलाप रहे हैं, क्या लगता है आपको इस आज़ादी का मतलब क्या हो सकता है? इस आज़ादी का मतलब वो छीन कर जो आज़ादी लेना चाहते हैं, जो आज़ादी की बात करते हैं, मतलब कि आज़ादी रहेगी नहीं, हम जो चाहेंगे वही मनमानी होगा और उसी को हम आज़ादी कहेंगे। ये आज़ादी कैसी आज़ादी होगी कि लोकतांत्रिक पद्धति से जो सरकार बनाई गई उसको हम ज़बरदस्ती हटा दें, उपद्रव से हटा दें, हिंसा करके हटा दें और उसको हम आज़ादी बताएंगे? ये हिंसा से छीनी गई वस्तु कभी आज़ादी होती है क्या? बाकी कि हम स्वच्छंदता हो सकती है, व्यक्तिगत एकाधिकार हो सकता है, लेकिन ये आज़ादी नहीं हो सकती है, किसी भी पार्टी का हो या किसी व्यक्ति का हो, कोई किसी व्यवस्था का हो, एकाधिकार हो सकता है, आज़ादी नहीं हो सकती है। आज़ादी तो है अभी, इसीलिए ये लोग बोल रहे हैं।
इस आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि हमको देश को मिटाने की आज़ादी होनी चाहिए, हमको देश को समाप्त करने की आज़ादी होनी चाहिए, देश के खिलाफ बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ये कोई आज़ादी नहीं है। ये स्वच्छता है, ये व्यभिचार है, ये भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार को हम अपना ढंग से व्याख्यायित करते हैं, यही यही इनका सोच है। सर, यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय में बताए जाते हैं कि मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक हैं, आपको लगता है कि जिस आज़ादी की बात कर रहे हैं वो आज़ादी की बात पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक सड़क पे इस तरीके से प्रदर्शन कर सकेंगे क्या? कहीं नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। और जहाँ कहीं किसी के विचार को रखने का अधिकार नहीं है उसको ये लोग आज़ादी कहते हैं, और जहाँ हर विचार चलता है और जहाँ अत्याचार भी चल रहा है उसको आप ये लोग मैंने आज़ादी नहीं मान है क्या, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये है मतलब देश में हमने जो नागरिकों को शरण दिया है, जो लाचार हैं, एक लाचार हैं, एक मजबूर हैं, वो हमारे देश में आ रहे हैं, हमने उनको नागरिकता के लिए सम्मान के साथ नागरिकता देने का अधिकार दिया, सम्मान के साथ हमारे नागरिक बन सकते हैं, हमारा सह अस्तित्व उनके साथ होगा, जितना उनका अस्तित्व होगा उतना हमारा होगा, ये सीए है। हम किसी को नागरिकता से वंचित नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, नागरिकता जिनको मिली नहीं है, जो नागरिकता के लायक नहीं है, उनको वंचित करने के लिए एनसीए है। ये कानून जो बना जी एनआरसी, ये कानून जो सर बना है, ये देश में रहने वाले नागरिक के ऊपर लागू तो होता नहीं, किसी के ऊपर लागू नहीं हो रहा, ये तो उनके लिए बनाया गया जो या तो घुसपैठिए हैं या तो शरणार्थी हैं। बिल्कुल। तो फिर ये हाय तौबा क्यों? हाय तौबा इसलिए है कि उस शरणार्थियों को हथकंडा बनाकर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। आज वही वैसे ही लोग कुछ बिहार में देखा आपने, ट्रेन को पटरी को उखाड़ा जा रहा है, ट्रेन को जलाया जा रहा है, ये अधिकार किसने किसको दिया है? वो विदेश के नागरिक हैं, घुसपैठिया बनकर आए हैं और आज यहाँ हमारे देश में अहिंसा फैला मैंने हिंसा फैला रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो इनको ये हमारे संपत्ति का देगा वो क्या? सर, आपको नहीं लगता कि ना बांग्लादेश में ये अल्पसंख्यक को देखना पसंद करते हैं, ना पाकिस्तान में अल्पसंख्यक को देखना पसंद करते हैं, और हिंदुस्तान में जो शरणार्थी के रूप में आए हुए हैं, जो शरण मांग रहे हैं, उन्हें भी यहाँ शांति से रखने के लिए ये तैयार नहीं है, क्या मानसिकता दिखा रही है सर? बस यहाँ ममता की खेती चलनी चाहिए, और ममता जैसे अलगाववादी, ममता जिस तरह अलगाववाद की बात कर रही है, वो देश से अलग होने की बात कर रही है। क्या वो बांग्लादेश जाके राज करेगी? क्या वो बांग्लादेश में मिल जाएगी? बांग्लादेश में मिल के देखे कि उसकी सत्ता चलेगी या एक दिन में समाप्त कर दी जाएगी? ऐसी आज़ादी जिसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, दूसरा देश को इसको मानेगा नहीं, तो कौन सी आज़ादी चाहती है? सर, आज़ादी तो आप ही के जन्मभूमि से उठा हुआ शब्द है। आज़ादी हमारे देश से उठा हुआ है, लोकतंत्र हमारे देश की पद्धति में से है। आपके बीहट से उठा हुआ आवाज़ है आज़ादी। वो आज़ादी वाले वही आज़ादी, वो बीहट से उठे या पाकिस्तान से उठे या जम्मू कश्मीर में जाके उठे, जेएनयू में उठे, वो सब आज़ादी उसी तरह की आज़ादी है कि पाकिस्तान के पक्ष में जिन्होंने वोट किया था। जी, पाकिस्तान बने, हिंदुस्तान को दो राष्ट्र बने, इसके लिए वोटिंग हुई थी, और वोटिंग के समय ये वामपंथ वाले कहाँ वोट किए थे, किसके पक्ष में वोट किए थे? देश की आज़ादी का ही विरोध नहीं किए थे, पाकिस्तान के बंटवारे का समर्थन किए थे, और आज वो समस्या बन के पूरे देश में खड़ी है कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान की क्या बात है? जो मुसलमान इस देश को अपना समझता है उसको सबको यहाँ रहने का अधिकार है, और जो मुसलमान इस्लाम के धर्म के नाम, मतलब इस्लाम को हम धर्म नहीं मानते हैं, किसी को धर्म नहीं, धर्म एक ही होता है, वो इस्लाम में भी हो सकता है, हिंदुत्व में भी है, और हिंदुत्व में चूंकि यही इसका आधार है इसलिए हिंदू धर्म कहला सकता है, लेकिन बाकी जो मजहब है, पंथ है, वो सिर्फ मजहब है, धर्म नहीं है, क्योंकि मजहब धर्म को नहीं मानता और धर्म मजहब में नहीं चलता। हिंदुत्व चूँकि धर्म को मान कर चलता है इसलिए इसको धर्म आप कह सकते हैं। हिंदू मजहब भी है, हिंदू मत भी है, हिंदू संप्रदाय भी है, और हिंदू धर्म भी है, इसका धर्म भी है और संप्रदाय भी है, जो है सो धर्मानुकूल है, इसलिए ये धर्म है। धर्म मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं होता, धर्म मतलब पूरे पृथ्वी होती है, प्रकृति होती है, और प्रकृति का सब प्राणी इसका हिस्सा होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय बेगूसराय टुडे को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि कोई मजहब नहीं होता, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और यह कानून हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक पर लागू ही नहीं होता।
ये तो शरणार्थी और घुसपैठिए के ऊपर लागू होना है, इसलिए ये हाय तौबा नहीं मचाएं और समाज में एकजुटता का प्रदर्शन देते हुए एक सभ्य भारतीय नागरिक बनकर के विश्व के मानचित्र पे देश का नाम रोशन करें। मैं पंकज भट्ट, बेगूसराय टुडे के लिए बेगूसराय से।